वेलकम टू माय चैनल। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स एक बायो मॉलिक्यूल्स है। क्या है? बायो मॉलिक्यूल्स। जब जब भी हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे, इसका मतलब हम काय के बारे में बात करेंगे? एक करेंगे ग्लूकोज के और दूसरी काय की बात करेंगे? फ्रुक्टोज के। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट बोल रहा तो काय के बारे में बोल रहा? ग्लूकोज के बारे में बोल रहा और फ्रुक्टोज के बारे में बोल रहा। अब देखेंगे हम डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज में जो है, ग्लूकोज जो हमारा तो कैसा है? नेचुरली ऑकरिंग मॉलिक्यूल है। कैसा मिलता हमारे को? नेचुरली ऑकरिंग मिलता है। जो कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव बोले तो कि ऐसे वोच कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं जिसमें क्या रहता है? असिमेट्रिक कार्बन आइटम रहता है। क्या रहता है? असिमेट्रिक कार्बन आइटम। ग्लूकोज में भी क्या है? फिर असिमेट्रिक कार्बन आइटम है, ये 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 असिमेट्रिक कार्बन आइटम है। फ्रुक्टोज में भी क्या रहेंगे? असिमेट्रिक कार्बन आइटम रहेंगे। और जो भी मॉलिक्यूल में है, जो भी कंपाउंड में असिमेट्रिक कार्बन आइटम रहते हैं वो कैसा रहता? ऑप्टिकली एक्टिव रहता। तो दो दो हो गए हमारे पास कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये कौन है? कार्बोहाइड्रेट है और दोनों भी कैसे है? नेचुरली ऑकरिंग है और इनमें असिमेट्रिक कार्बन आइटम होने की वजह से कैसे है? ऑप्टिकली एक्टिव है। अब इसमें OH ग्रुप देखेंगे तो हम हाइड्रोक्सी ग्रुप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 है। और जिसमें OH ग्रुप 3 से ज़्यादा रहते या मोर देन 3 रहते उसको क्या बोलते हैं? अपन पॉली। और OH को क्या बोलते हैं? अपन हाइड्रोक्सी ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप। फिर ग्लूकोज कैसा हो गया? ग्लूकोज हो गया नेचुरली ऑकरिंग ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा हो गया? नेचुरली ऑकरिंग ऑप्टिकली एक्टिव पॉली हाइड्रोक्सी। क्या हो गया? पॉली हाइड्रोक्सी। और इसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है? अल्डेड है। कौन है? अल्डेड्स है। और कीटोन, इसमें फ्रुक्टोज में जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है? कीटोन्स है। तो फिर क्या हो गए? कार्बोहाइड्रेट क्या हो गए? नेचुरली ऑकरिंग। डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में क्या बोलेंगे अपन? नेचुरली ऑकरिंग ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसको क्या बोलेंगे हम? कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को क्या बोलेंगे हम? कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। दूसरी अगर हम डेफिनेशन सोचे दूसरी के बारे में, दोज कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस, ऐसे कंपाउंड जिसकी क्या करेंगे अपन? हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या मिला करेंगे हमारे को? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब पॉलीहाइड्रोक्सी अगर अल्डेड बोला तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेड का मतलब कौन होगा? ग्लूकोज। और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब क्या होगा हमारे पास? फ्रुक्टोज। ये हो गया हमारी डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हम क्या बोला करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कौन है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है। दोनों भी कैसे है? नेचुरली ऑकरिंग है। दोनों में भी क्या है? असिमेट्रिक कार्बन आइटम है और जिसमें असिमेट्रिक कार्बन आइटम रहता है वो क्या रहता है? ऑप्टिकली एक्टिव रहता है। और ये दोनों भी कैसे है? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेड है, एक में मेन फंक्शनल ग्रुप अल्डेड है, उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? कीटोन है। ये क्या होगा फिर हमारा? डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब असिमेट्रिक कार्बन आइटम किसको बोलते हैं उसके बारे में देखो। अपन क्या बोलेंगे कि असिमेट्रिक कार्बन आइटम, अ टेट्राहेड्रल कार्बन आइटम। कौन सा होना चाहिए हमारे पास? टेट्राहेड्रल कार्बन आइटम विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट आइटम्स और ग्रुप इज कॉल्ड असिमेट्रिक कार्बन आइटम। यानी हमारे पास एक ऐसा कार्बन होना जो अलग अलग 4 ग्रुप से या डिफरेंट आइटम्स से क्या होना? अटैच होना। ऐसे कार्बन को कौन सा कार्बन बोलेंगे हम? असिमेट्रिक कार्बन आइटम। यानी एक टेट्राहेड्रल कार्बन आइटम होना, चारों भी ग्रुप कैसे होना उससे, चारों भी ग्रुप या आइटम और ग्रुप कैसे होना? डिफरेंट होना, उसको बोलेंगे अपन असिमेट्रिक कार्बन आइटम। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास क्या है? लैक्टिक एसिड है, इसमें ये जो कार्बन हो गया कौन सा हो गया? असिमेट्रिक हो गया। इसमें एक तरफ से एसिड ग्रुप है, दूसरी तरफ से हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप है, मीथेन है और हाइड्रोजन क्या है? आइटम है। और ये हो गया हमारे पास कौन सा? असिमेट्रिक कार्बन आइटम। असिमेट्रिक कार्बन आइटम को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन आइटम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन आइटम। तो आज हमने काय के बारे में देखा? डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखा। हम क्या बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? नेचुरली ऑकरिंग ऑप्टिकली
एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। आगे क्या, क्योंकि ग्लूकोज भी हमको नेचुरली मिलते हैं और आइसोमेट्रिक कार्बन आइटम होने की वजह से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रहते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव किसको बोलते हैं, दोज कंपाउंड विच रोटेट द पीपीएल प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड द राइट हैंड साइड और टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड आइदर क्लॉक वाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन आर कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ग्लूकोज भी और फ्रुक्टोज भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, जिनमें क्या है, असिमेट्रिक कार्बन आइटम है। थैंक यू।